जो मुनीर सर यहाँ प्रिंसिपल सर भी है और मुख्तार सर भी है, तो पहले प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, मुनीर सर से। सर आज का जो हमारे हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी मिशन चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया और हमारे देश को जिस पर फख्र है, तो बच्चों के अंदर ये जज्बा, देशभक्ति का जज्बा पैदा हो बोलकर ये जो है हमने सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिए। ये सभी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमने जो बनाए वीडियो। तो दोस्तों यहाँ उर्दू हाई स्कूल के सभी टीचर मौजूद है माशाल्लाह। ये देखिए हर साल हमारे पास एक्टिविटीज़ होती रहती है। हमारे प्रिंसिपल सैयद मोहिउद्दीन साहब, सुपरवाइज़र सैयद मोहिउद्दीन साहब, इंचार्ज सगीर अहमद साहब, ताकि बच्चों में जो है तो ऑलराउंड डेवलपमेंट पैदा हो। सबसे पहले तो मैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जनाब सैयद मुनीरुद्दीन सर और सुपरवाइज़र सैयद मोहिउद्दीन सर, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस जिम्मेदारी को हमने पूरी की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, हम पहुंच चुके उर्दू है। तो यहाँ बच्चों का प्रोग्राम था, बच्चों के प्रोग्राम में जो हम बात करने वाले, मुख्तार सर से भी बात करने वाले, वकील सर से बात करने वाले और वसीम सर से बात करने वाले, तो वीडियो में पूरी मुकम्मल जानकारी देने वाले। तो बच्चे के हौसले अफजाई के लिए हम उर्दू हाई स्कूल में आए यहाँ। तो चलते दोस्तों यहाँ के प्रिंसिपल सर से, मुनीर सर से भी बात करने वाले, वीडियो में पूरी मुकम्मल जानकारी आपको हम देने वाले। तो बहुत ही अच्छा आज प्रोग्राम हुआ, उसी के बारे में पूरी मुकम्मल जानकारी आपको हम देने वाले, तो बने रहे हमारे साथ। उर्दू स्कूल हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं, यहाँ ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ सर से बात करने वाले हम, जो मुनीर सर यहाँ प्रिंसिपल सर भी है और मुख्तार सर भी है, तो पहले प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, मुनीर सर से। सर आज का जो प्रोग्राम है, जो जानकारी देंगे। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस गवर्नमेंट की तरफ से जो मनाया जाता है, हमारा मराठवाड़ा आज़ाद हुआ था 17 सितंबर को, उसी जीवन में ये प्रोग्राम लिया जा रहा है। इस मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद हमारे स्कूल में किया गया है, उसी प्रोग्राम के तहत आज ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है 5वीं से 12वीं तक, जिसके इंचार्ज वसीम सर, मुख्तार सर, वकील सर। तो यहाँ के जो इंचार्ज है सर, मुख्तार सर से भी हम बात करने वाले। तो सर क्या बोलना चाहिए आज का जो प्रोग्राम है, हर साल इस तरीके का प्रोग्राम रहते हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए आप? अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, ये हमारा अजंता न्यूज़ चैनल सामाजिक चैनल है, और आज जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इदारा नेहरू मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल अजंता, जिसके हेडमास्टर और प्रिंसिपल है सैयद मुनीरुद्दीन सर और सुपरवाइज़र सैयद मोहिउद्दीन सर, इन दोनों की कोशिशों से और तमाम स्टाफ की जो है मेहनत से इस स्कूल में तरह तरह के बेहतरीन प्रोग्राम दिए जाते हैं, ताकि बच्चों को तालीम के साथ साथ बच्चों के अंदर जो हुनर छुपा हुआ है उसको जो है जिला मिले। इसके तहत हमारे मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस, जो हमारा मराठवाड़ा है, जो जम हुआ मराठवाड़े में निज़ाम जो हुकूमत जम हुई थी, उसके तहत गवर्नमेंट का डीआर है कि स्कूलों में तरह तरह के प्रोग्राम दिए जाए। तो इसी जीवन में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के जीवन में ड्राइंग कंपटीशन यानी चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इसी के साथ सुबह में प्रभात फेरी निकाली गई है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम भी दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे इस अजंता न्यूज़ चैनल के जो है हमारे आरिफ खान साहब, ये हमेशा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए गाँव में अच्छे काम करने के लिए जो है ना पहुँच जाते हैं, बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए, गाँव वालों के सपोर्ट के लिए। तो मैं बहैसियत ड्राइंग इंचार्ज मुख्तार खान, जो मुझे हमारे हेडमास्टर साहब ने ये ज़िम्मेदारी दी है, मेरे मावीन हैं वकील खान साहब और वसीम बेग साहब, तो हमने इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने के लिए पूरा स्टाफ, हेडमास्टर और सुपरवाइज़र तमाम मिलकर इस प्रोग्राम को जो है कामयाब कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में बच्चे बहुत ही दिलचस्पी के साथ, शौक और शौक के साथ जो है ना तो हिस्सा ले रहे हैं। अभी हमारे आरिफ साहब कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, देखिए ये पहला, ये 12वीं से लेकर 12वीं तक, ये उनके लिए जो है ना तो कुदरती मंजर यानी प्रस बाग, जो गवर्नमेंट का एक जीआर आया प्रस बाग के तहत ये बनाया गया है। और ये हमारे हिंदुस्तान, ये दूसरी तस्वीर 8वीं से 10वीं के लिए, जो हमारे हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी मिशन चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया और हमारे देश को जिस पर फख्र है, तो बच्चों के अंदर ये जज्बा, देशभक्ति का जज्बा पैदा हो बोलकर ये जो है हमने 8वीं से 12वीं के लिए जो है रखे। इसी तरह हम चलते हैं हमारे कैमरा में, हमारे साथ
के वो बच्चों को देखेंगे तो कितनी कसी तादाद, तकरीबन 700 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया जी सर, तकरीबन 700 बच्चों ने हिस्सा लिया। अच्छा तो सर कितनी 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 जमात के बच्चे इसमें? देखिए पाँची से मैंने आपको जैसे बताया कि वो जो नेचर ड्राइंग है यानी जो कुदरती मंजर है, ये 11वीं से 12वीं आर्ट्स एंड साइंस के तलबा और तालिबात के लिए, और मिशन चंद्रयान 3 ये 8वीं से 10वीं के लिए है। आइए आपको लेके चलते हैं कि 5वीं से 7वीं के लिए क्या प्रोग्राम दिया गया है। तो ये आप जैसा देख रहे होंगे ये 5वीं से 7वीं के लिए, इसका नाम है परसबाग। परसबाग हाँ, ये गवर्नमेंट का जीआर है कि स्कूलों के अंदर परसबाग का जो है रुझान पैदा हो, तो उसके तहत बच्चों को ये दिया गया है। आप देख रहे हैं तकरीबन 700 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और इसी के तहत आप कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि रैली निकल रही है। हमारे हेडमास्टर साहब उस रैली का जो है तो रहनुमाई फरमा रहे हैं। अब कुछ बच्चे जिन्होंने ड्राइंग में हिस्सा लिया है वो यहाँ मौजूद है, और जो बच्चे ड्राइंग में हिस्सा नहीं लिए, अब गांव में एक जो है ना तो बेदारी पैदा करने के लिए हमारे हेडमास्टर साहब और सुपरवाइज़र की निगरानी में, आली जनाब अमान सर और आसिफ सर की निगरानी में ये जो है ये लोग जा रहे हैं। मिशन चंद्रयान 3 ये 8वीं से 10वीं के लिए, ये हमारे कबीर सर है, ये हमारे कॉलेज के इंचार्ज वसीम बेग सर है, आप देख रहे हैं हमारे स्कूल के इंचार्ज सगीर खान साहब हैं, पूरा स्टाफ टीचिंग नॉन टीचिंग जो है बच्चों की रहनुमाई में लगा हुआ है और बच्चों को जो है गाइडेंस कर रहे हैं कि किस तरह तस्वीर बनाना है, किस तरह रंग भरना है। तो एक बेहतरीन माहौल है, और स्कूल का कैंपस अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको देखेंगे तो दरख्त लगाए गए हैं, पौधे लगाओ पौधे बचाओ, तो स्कूल में पौधों का भी काम हुआ है हमारे हेडमास्टर और सुपरवाइजर की मेहनत से। अब आपको कैमरामैन दिखाएंगे सब इस तरह। मैं शुक्रगुजार हूँ अजंता न्यूज़ चैनल का कि वो हमारे कहने पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। तो दोस्तों ये है बच्चे जो माशाल्लाह बहुत अच्छा, बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए हम यहाँ पहुँचे। तो इस तरीके के वीडियो हम बनाते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त के दिन हमने जितने भी कॉम्पिटिशन हुए थे उनके एक एक वीडियो अपलोड करे हुए अजंता न्यूज़ पे, वो जाके आप देख सकते हैं। इधर जो मोहित सर मुनीर सर जो यहाँ प्रिंसिपल मौजूद है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये सभी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमने जो बनाए वीडियो। तो यहाँ सभी जो टीचर्स मौजूद है दोस्तों, तो स्कूल में जो बच्चों के सभी बच्चे जितने भी उनका हौसला अफजाई करने के लिए, तो माशाल्लाह तालीम हासिल करना चाहिए आपने। ये देखिए बच्चे तो यहाँ माजिद सर हमारे जो मुख्तार सर एहतिशाम सर तो दोस्तों यहाँ उर्दू हाई स्कूल के सभी टीचर मौजूद है माशाल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ हम पहुँचे। यहाँ मैं हमारे प्रिंसिपल साहब के लिए इन अशार से उनको कहता हूँ कि फूल झड़ते हैं कभी शोले लपकते हैं कभी, फूल झड़ते हैं कभी शोले लपकते हैं कभी, उससे मिली तो खिताबत का मज़ा आता है और गुफ्तगु शबिस्ता मुलाकात में हद आदाब, गुफ्तगु शबिस्ता मुलाकात में हद आदाब, उनसे मिली तो शराफत का मज़ा आता है। ये हमारे प्रिंसिपल साहब और सुपरवाइजर साहब जिन्होंने हमारा कोऑपरेशन किया, और आज का ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा, जो ने हिस्सा लिए और सब बच्चों ने बहुत अच्छी जो है तो ड्राइंग बनाए। कितने कहकर कलर भरो ना इसमें, आप देख सकते हैं कि जैसे कि उर्दू स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन का चालू है, हमने देखिए कितनी खूबसूरत ड्राइंग बनाई है, और आरिफ भाई हमारे साथ मौजूद है। आरिफ भाई आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बाद? अभी इसमें कलर भरना बाकी है ना? हाँ बाकी है अभी। अच्छा कितनी जमात में पढ़ते आप? 12वीं 12 में है क्या? अच्छा माशाल्लाह 12 के बच्चे। हम के बारे में वसीम सर से भी हम बात करने वाले, तो क्या बोलना चाहेंगे सर आज के जो बच्चों का प्रोग्राम था बहुत ही बेहतरीन अंदाज से ड्राइंग कॉम्बिनेशन हुआ था, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए हर साल हमारे पास एक्टिविटीज़ होती रहती है, हमारे प्रिंसिपल सैयद मोहिउद्दीन साहब, सुपरवाइज़र सैयद मोहिउद्दीन साहब, इंचार्ज सगीर अहमद साहब,
ताकि बच्चों में जो है तो ऑलराउंड डेवलपमेंट पैदा हो। ये बच्चों में जो है तो स्किल पैदा होती है, हर प्रोग्राम लेते हैं ड्राइंग में, बच्चे आगे जाकर मुख्तलिफ कोर्सेज करते हैं, जैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करते हैं बच्चे, बीएफए करते हैं, और बच्चों में जुस्तजू जो पैदा होती है, बच्चों में लगन पैदा होती है। इसलिए हमारे पास हर साल जो है तो प्रिंसिपल साहब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ लेते थे। इससे पहले भी हमारे पास जो है तो टीचर्स डे हुआ, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे रोल्स प्ले किए हैं, और इसके अलावा ड्राइंग कंपटीशन। अब इसके बाद हमारे पास इंशाल्लाह सीरतुलनबी का जलसा होगा, तो ताकि बच्चों में ऑलराउंड डेवलपमेंट पैदा हो और बच्चे आगे जाकर अपनी माजी में जो है तो बच्चे तरक्की करें और बच्चे आगे जो है तो कामयाब हो। इसलिए हमारे पास हर साल प्रोग्राम होते रहते हैं। इस साल हमारे पास पाँचवीं से सातवीं तक के ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखा गया, फिर आठवीं से दसवीं तक रखा गया, फिर जूनियर कॉलेज 11-12 का रखा गया, जिसमें तकरीबन 550-550 बच्चों ने पार्टिसिपेट हुए, और सब बच्चों ने बहुत अच्छे जो है तो ड्राइंग में अपने जो है तो डायग्राम्स बनाए हैं और अच्छे प्रेजेंटेशन पेश किए हैं। तो दोस्तों वीडियो में तो आपने देखे मुख्तार सर से भी बात करें, अपने इंचार्ज थे, और वसीम सर से भी बात करें, वो भी इंचार्ज थे, जो आपको पूरी जानकारी देने वाले, तो बने रहना चाहिए हमारे साथ। वकील सर से भी हम बात करने वाले इसी के बारे में, तो पूरी प्रोग्राम की आपको हमने जानकारी दी। मुनीर सर जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी बात की हमने वीडियो में, आपने देखे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, वकील साहब का क्या कहना है इसमें आपको हम बता दें। थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, फिर भी हमने वीडियो बनाया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भाइयों में शेयर करना चाहिए आप ही के लिए। बात करने वाले हम उर्दू स्कूल में आए थे, आपको पता है वीडियो में आपने देखे, तो वकील साहब से बात करने वाले जो इंचार्ज थे, वकील साहब जो इन्हीं से बात करने वाले, क्या बोलना चाहिए आज का जो प्रोग्राम था बच्चों का? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जनाब सैयद मुनीरुद्दीन सर और सुपरवाइज़र सैयद मोयज़ुद्दीन सर, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस जिम्मेदारी को हमने पूरी की। हमारे स्कूल में तकरीबन आज जो है वो ड्राइंग कंपटीशन लिया गया, इसके अंदर पाँचवीं क्लास से 12वीं क्लास के तुलबा तालिबात ने हिस्सा लिया, और इसमें उनको अलग अलग ड्राइंग दी गई थी बोर्ड के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों ने माशाल्लाह अच्छी ड्राइंग बनाए, साथ में कलरिंग भी करे उसके अंदर। जैसा कि अभी मिशन चंद्रयान 3 जो है हमारे हिंदुस्तान की तरफ से जो चाँद के ऊपर भेजा गया है, उसकी एक तस्वीर दी गई थी मिशन चंद्रयान 3, तो इसको 8th से 10th के स्टूडेंट ने बनाए, उसमें कलर भरे। और कॉलेज के लिए नेचुरल ड्राइंग दी गई थी, कॉलेज के बच्चों ने भी बनाए, और पाँचवीं से सातवीं क्लास 5th to 7th के स्टूडेंट्स के लिए जो तस्वीर दी गई थी एक प्रेस बाग बोल के, उसमें बच्चों ने कलर भरे और खूबसूरत अंदाज के अंदर ड्राइंग अपनी मुकम्मल करे। इस तरह से आज हमारे स्कूल के अंदर, हमारी स्कूल नेहरू मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल के अंदर आज ड्राइंग कंपटीशन रखा गया था, जिसके अंदर बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो माशाल्लाह हमने भी बच्चों का हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए जो अजंता न्यूज़ पे वीडियो अपलोड करे, और बहुत से वीडियो हमने जो पहले 2022 में जो कंपटीशन रखे गया था 15 अगस्त के मौके पे, वो भी वीडियो अपलोड करे, वो भी जाके आपने देखना चाहिए। आप ही के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो में तो आपने देखे, आपको हमने पूरी जानकारी दी, और 2022 में जो दिल्ली से काफिला आया था उसका भी एक वीडियो हमारा बाकी है, तो वो भी इसके बाद में हम अपलोड करेंगे, तो उसको भी आपने देखना चाहिए। तमाम टीचर यहाँ मौजूद हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। आप ही के लिए हमने वीडियो बनाई।